हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं द्वारका कोर्ट। वहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। एक तो कोर्ट प्रिमाइसेस दिखाऊंगा, जो आसपास की कोर्ट है, लॉयर्स चैम्बर्स हैं, और जो भी थोड़ी आसपास की बिल्डिंग्स हैं वो दिखाऊंगा। उसके अलावा एक मेरा केस है वहाँ पे आज, तो उसके थोड़े से फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्लॉग को। ये मेरे घर से कोर्ट का रास्ता है। मुझे कोर्ट पहुँचने में अराउंड घर से 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं। तो वही रास्ता मैंने आपको शॉर्ट के अंदर यहाँ पे दिखाया है। ये है कोर्ट की बिल्डिंग, जो बाहर से ऐसी दिखती है। बिल्कुल बाहर से जब आप देखोगे रोड से, तो आपको ये व्यू मिलेगा कोर्ट का। उसके बाद ये जो है, ये कोर्ट का गेट है। यहाँ से एंट्री होती है, ये मेन गेट है। मेन गेट पे एंट्री के बाद ही ये जो है हमारी कोर्ट की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये बिल्कुल सामने आपके टू व्हीलर की पार्किंग है। ये बहुत लंबी है, अभी आगे तक ये टू व्हीलर की पार्किंग चलेगी। ये बिल्कुल सामने आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारका का बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर नीचे छोटी सी कैंटीन भी है। ये सारी टू व्हीलर की पार्किंग है। और अब जो है ये आपके सामने लॉयर्स चैम्बर है। ये सारे ऊपर तक लॉयर्स चैम्बर्स हैं। ये दूसरी तरफ, जो दूसरी तरफ का व्यू है, ये भी जिसको अधिवक्ता कक्ष लिखा हुआ है, ये सारे लॉयर्स चैम्बर ही हैं। ये सारी यहाँ पे टू व्हीलर्स और सारी एरिया में पार्किंग है। ये हम चैम्बर जा रहे हैं ऊपर, तो ये उसी के जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर ऐसे करके ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर हमारा कॉमन हॉल बना हुआ है। पहले मैं आपको कॉमन हॉल दिखा देता हूँ, जहाँ पे कोई भी जाके बैठ सकता है, मतलब कोई भी लॉयर या कोई भी जाके बैठ सकता है। तो उसी की तरफ हम जा रहे हैं। ये है हमारा कॉमन हॉल। यहाँ पे सिटिंग भी है, यहाँ पे आप कोई भी आके कितनी देर बैठ सकते हो। और यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, आप टीवी भी देख सकते हो। अब ये सारी सीटिंग है, उस तरफ कोई बैठा भी हुआ है और सामने वहाँ टीवी भी लगा हुआ है। और यहाँ पे ये टेबल टेनिस के लिए टेबल भी थी, लेकिन अभी वो टूटी हुई है। और यहाँ पे ये कॉमन हॉल का बोर्ड लगा हुआ है। उसके अलावा ये हॉल नंबर 2 है, जहाँ पे लॉयर्स बैठते हैं। कॉमन हॉल होता है, यहाँ पे सीट अलॉट होती है लॉयर्स को। और ये हमारी लाइब्रेरी है। ये सारी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स और जितने बेयर एक्ट्स हैं और जितने भी केस लॉस की बुक्स हैं, सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे पानी भी पीने की फैसिलिटी है। और ये सारी हमारी बुक्स हैं, जो भी है आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। और ये फैसिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पे सारी फाइलिंग होती है। आपको कोई भी केस फाइल करना है वो फैसिलिटेशन सेंटर पे फाइल होगा। उसके अलावा ये जो है, सारी बीच में कोर्ट के बीच में स्पेस है। यहाँ पे ये सारी इनमें कोर्ट रूम्स हैं। हेलो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कोर्ट की थोड़ी सी प्रीमिसेस दिखाई। अब मैं आपके साथ अपने केस के फैक्ट शेयर करता हूँ। जो हमारा आज केस था, वो एक सिविल केस था, जिसके अंदर ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन लगी थी और टेम्प्रेरी इंजंक्शन का रिलीफ मांगा गया था। अब ये जो रिलीफ था टेम्प्रेरी इंजंक्शन का, इसके अंदर जो प्लेंटिव था वो बोलता है कि उसकी जो बिल्डिंग है, उसके साइड में जो हमारी हम जिसकी साइड से डिफेंडेंट की साइड से, वो एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के कारण उसके जो ईजमेंट राइट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। मतलब उसकी हवा नहीं आ रही, उसको धूप नहीं आ रही, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब इस तरीके का कोई केस होता है, तो यहाँ पे कोर्ट 3 चीज़ें देखता है। पहली चीज़ वो देखता है कि जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के बारे में देखता है। दूसरी बात देखता है इरेपरेबल लॉसेस के बारे में, और कि जो केस है वो प्रिमा फेसी स्ट्रांगली केस है या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत फेमस केस है, रतन पॉल वर्सेस सुभाष पॉल का।
उसके उसको हमने मेंशन किया था, और साथ में यहाँ पे देखा गया कि ना तो प्लेंटिफ को कोई इरेवेबल लॉसेज हो रहे थे, ना ही उसका जो केस था वो प्राइमा फसाई स्ट्रॉन्ग केस था। और तीसरी बात की जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस था, अगर उसको हम देखें तो जो हमारा डिफेंडेंट था उसको बहुत ज़्यादा उसके अभी तक एक्सपेंसिव हो चुके थे, उसके लाखों में एक्सपेंसिव हो चुके थे, और जो प्लेंटिव था उसने अभी तक उसको पहले ही एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए थी जो उसके अभी तक एक्सपेंसिस हो चुके थे उससे पहले ही। तो कोर्ट ने इन सब चीज़ों को फैक्ट्स को देखते हुए जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया और बोला कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आगे चलती रहेगी। तो इतने से हमारे फैक्ट्स थे। अब ये केस जो आगे चलेगा ये सिर्फ टेम्प्रेरी इंजंक्शन मांगी गई थी, बाकी जो स्पेसिफिक रिलीफ फैक्ट है जहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन मांगी जाती है वहाँ के जो रिलीफ है अभी उसके ऊपर ये केस अभी आगे लंबा चलेगा। सिर्फ इतनी सी एप्लीकेशन के ऊपर आज आर्ग्यूमेंट हो रहे थे क्योंकि ये टेम्प्रेरी रिलीफ की एप्लीकेशन होती है, एक दिन के अंदर डिसाइड हो जाती है। सो इतनी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी द्वारका कोर्ट की प्रीमाइसेस है, ये गार्डन है, और ये जो पीछे ये बिल्डिंग है इसके अंदर ही हमारे सारे कोर्ट्स लोकेटेड है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।